इसकी मिसाल ऐसे समझें कि एक पानी का कतरा है, पानी का कतरा किसी पत्थर पे जब गिरता है तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो कंसिस्टेंट गिरता रहता है, बार बार गिरता 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 रहता है, तो एक दिन क्या होता है कि उस पत्थर में गड्ढा हो जाता है। पानी के कतरे की क्या अहमियत है, अगर वो किसी को मारा जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर मारा जाए तो उसे चोट लगेगी। लेकिन उस पानी के कतरे ने एक कमज़ोर चीज़ ने एक ताकतवर चीज़ को अपनी मुस्तकिल मिजाजी से हरा दिया। तो ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक कमज़ोर को बहुत ताकतवर बना देती है।